हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। मैं नंदू, आप देख रहे हैं इंडियन रेलवर्ड। दोस्तों, अभी अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई। दुर्घटना इतना भीषण था कि चार कोच पटरी के नीचे उतर गए। जैसे वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं, ये चार कोच हैं जो पटरी के नीचे उतर गए दुर्घटना के बाद। लास्ट में इंजन दिखाई दे रहा है आपको। इतना भयंकर हादसा हुआ है कि चारों कोच पटरी के नीचे उतर गए। तुरंत दुर्घटना के बाद यहाँ पे लोगों की भीड़ जमा हो गई। ट्रेन के अंदर करीबन सैकड़ों लोग यात्रा कर रहे थे साबरमती एक्सप्रेस में। यह दुर्घटना रात 1:10 मद्रास स्टेशन के पास हुआ है। जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, जब मालगाड़ी और साबरमती एक्सप्रेस तभी ट्रेन के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, तब तक साबरमती जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 लाइन एक साथ बनी हुई थी। फिलहाल 2 लाइन चालू कर दी गई है, बाकी एक अभी 5-6 घंटे चालू करने में लगेंगे। और अब किस तरीके से काम चल रहा है सर? देखिए जी सर, बताएं। हाँ, यहाँ पर 3 लाइनें हैं, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन एंड अजमेर बाईपास लाइन। जी, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन। तो डाउन मेन से गाड़ी आ रही थी, होम सिग्नल उसका रेड था। उसको जो पायलट्स को कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लग गया रही थी, तो वो कंट्रोल करने में देरी हो गई और उनके दोनों साइड से रगड़ खा गई, जिसके कारण ट्रेन के कुछ कोचेज डेल हो गए हैं। चोट किसी को नहीं लगी, किसी का कोई बड़ी चोट नहीं लगी है। एक आदमी को फर्स्ट एड, थोड़ी सी खुर्च लगी थी, उसको फर्स्ट एड दे करके फर्स्ट एड दिया गया। देन हम लोगों ने ये वो ट्रेन भी यहाँ से साइड से चालू हो गई। 3 में से 2 लाइनों पर ट्रेन की आवागमी चालू हो गई है। सर, बताया जा रहा है कि एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेन थी? नहीं, एक ट्रैक पे 2 ट्रेन नहीं थी, एक डाउन मेन से दूसरी जा रही थी। तीसरी जो लाइन है मेरी, बाईपास लाइन से क्रॉस कर रही थी। ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रैक पे ऊपर 2 हैं, कोई सिग्नल फेलियर या कोई टेक्निकल फेलियर इसमें कोई नहीं है। सर, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है, करीबन 20 से आगे की तरफ चला गया, ट्रैक से डाइवर्ट हो गया इंजन जी, पावर बची का। तो सर, कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट, कहीं ना कहीं स्थिति बनी होगी, तभी तो ये डाइवर्ट हुआ होगा या फिर अपने आप नहीं। वो जो क्योंकि गुड्स ट्रेन, लोडेड गुड्स ट्रेन थी, क्रिंकर से भरी हुई थी, तो उसमें वजन बहुत था। तो जब दो हैवी, एक हैवी और एक हल्के, एक हैवी और प्लीज आगे हो जाइए थोड़ा, एक हैवी और एक लाइट जो व्हीकल जो साइड में गुजरते हैं, तो हल्के वाला व्हीकल साइड पे हो जाता है। सर, आप किस तरीके से ट्रेनों को प्रभावित किया गया है? कौन कौन सी ट्रेनें अब तक बड़ी जो ट्रेनें प्रभावित हुई है? दो रस्ते हमने, 2 लाइन्स फिट हो गई हैं। जैसे अभी देख रहे हैं राजधानी आ चुकी है, सबसे पहले भी यहाँ से एक ट्रेन गुजर चुकी है। अब मेरी राजधानी प्रॉपर पाथ पर आ रही है, तो वो राजधानी अभी क्रॉस करेगी यहाँ से। सर, जयपुर से आने वाली कई गाड़ियों को भी मतलब रद्द कर दिया गया है, अजमेर से भी कई गाड़ियाँ रद्द हो चुकी हैं। तो सर, कितनी देर के अंदर ये रूट चालू हो जाएगा? सर, 2 रूट कंट्रोल किया गया था, अब उन ट्रेन को पहले निकालेंगे। सर, करीबन 1 जना घायल हुआ था, खाली मामूली चोट थी, लेकिन हादसा कहीं ना कहीं बड़ा है, तो कोई जाँच कमेटी भी गठित? हाँ, हमने यहाँ पर 3 ऑफिसर्स की कमेटी को गठित कर दिया गया है,
वो इसकी जांच कर रही है। सर लेकिन अब तक जैसे आपने बताया कि वो खाली टक्कर लगी जो निकल रही थी गाड़ी उसके अंदर इतना हादसा हो गया, तो सर कहीं ना कहीं कुछ तो लापरवाही कुछ की सामने आई होगी। वो कमेटी इसको जांच करेगी। सर प्रथम दृष्टया तो कुछ ना कुछ सामने आया होगा ना, सिग्नल फेलियर आया कि इतना बताया, टेक्निकल फेलियर कहीं नहीं है तो ये तो पक्का असर्टेन हो गया, टेक्निकल फेलियर कहीं नहीं है, कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर जरूर हुई है। वो ह्यूमन एरर किस कारणों से हुई है वो कमेटी तहकीकात करके फिर बताएगी। जो कल एक्सीडेंट की बाकी की ट्रेन थी यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचा दिया था, यहाँ से जा चुके हैं, वो ऑन द वे टू जयपुर है, जयपुर से फिर आगरा तक वो ट्रेन है, आगरा पहुंच जाएगी। तो सर और भी कोई मार्ग जैसे वंदे भारत ट्रेन थी उसको मदार जंक्शन से चलाया गया, तो उन यात्रियों के लिए कोई अन्य सुविधा की गई थी सर? जो जहाँ से जो प्रभावित गाड़ी थी उसको अजमेर ले जाया गया, अजमेर में उनको चाय पानी नाश्ता कराया गया एंड देन फिर आगे उस ट्रेन को यहाँ से चलता कर दिया गया। नहीं, वंदे भारत ट्रेन का भी मार्ग उसके बारे में मुझको अभी जानकारी नहीं है, मैं पता लगते आपको बताऊंगा। तो सर अभी बात करें तो कितनी ट्रेनें मतलब इससे प्रभावित हो रही होंगी सर? मुझको इस वक्त इसकी मैं साइट पर हूँ, साइट रेस्टोरेशन देख रहा हूँ, तो मुझे उसके टाइम लग जाएगा मतलब। तीन लाइन में से दो लाइन पर का फिटनेस दिया जा चुका है, थर्ड लाइन बची है, वो अभी जो ऑफिसर से मैं मीटिंग करके उनसे टाइम लूंगा एग्जैक्टली कब तक हो पाएगा, बट मैं मानता हूँ कि अभी 4-5 घंटे लगेंगे। तो देखा ये थे राहत बचाव कार्यो में लगे हुए स्टाफ के अलावा जो भी स्टाफ यहाँ पर पहुंच चुका है सबका घटना बना होता है। दुर्घटना की वजह से दोनों डिब्बे आपस में जुड़ गए और रेल कर्मचारी इनको कटर मशीन की मदद से अलग कर रहे हैं। ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।